हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया क्या है और क्यों ज़रूरी है, तो वो आज के लेक्चर में हम समझते हैं। पहला तो समझते हैं हाइपरलिपिडीमिया, ये वर्ड से आप क्या समझ रहे हो। हाइपर मीन्स हाई, लिपिडीमिया मीन्स लिपिड लेवल बढ़ जाना। कहाँ पे? ब्लड में। हाइपरलिपिडीमिया, ब्लड में लिपिड लेवल इंक्रीज हो जाना। अब ये लिपिड क्या है? ये फैट है, फैट को ही लिपिड कहते हैं। तो हाई लेवल ऑफ फैट पार्टिकल्स जिसे लिपिड कहते हैं, लेवल इंक्रीज इन ब्लड, ब्लड में क्या हो गया है, वो लेवल इंक्रीज है, जिससे क्या कॉज हो रहा है, हाइपरलिपिडीमिया। द मोस्ट कॉमन टाइप, हाइपरलिपिडीमिया के भी अलग टाइप्स है, तो क्या क्या है। एक है हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, तो वो कहलाएगा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। अदर फॉर्म ऑफ हाइपरलिपिडीमिया इंक्लूड हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है तो वो कहलाएगा हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। और मिक्स्ड हाइपरलिपिडीमिया मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई है और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी हाई है, तो वो कहलाएगा मिक्स्ड हाइपरलिपिडीमिया। पीपल विथ अनट्रीटेड हाइपरलिपिडीमिया, जिस भी इंसान को अगर हाइपरलिपिडीमिया है और उसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, ट्रीटमेंट ना करे, तो उस पेशेंट, उस पीपल को क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिससे क्या हो सकता है, आर्टरी में क्लॉक्ड हो सकता है, और विच कैन ट्रिगर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक और अदर सीरियस प्रॉब्लम। अगर पेशेंट को ट्रीट ना किए करे हाइपरलिपिडीमिया, जिस भी इंसान को अगर ट्रीटमेंट ना दे, तो फिर आगे चल के उसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब ये कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल एक फैट है, वैक्सी सब्सटेंस है, टाइप ऑफ फैट जो हमारे बॉडी में बनता है। कहाँ पे? लीवर में। लीवर में ये सिंथेसाइज होता है। दूसरा सोर्स क्या है, जो भी हम फूड खाते हैं वो वहाँ से भी हमें मिलता है, डाइट से भी मिलता है। और एक तो डाइट हो गया, सोर्स क्या है, डाइट, जो भी हम फूड वगैरह लिए उससे भी फैट मिलता है हमें, कोलेस्ट्रॉल। और सेकंड है सिंथेसाइज इन आवर लीवर, हमारे लीवर में भी ये बनता है। कौन कौन से फूड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है? तो चीज़, एग योक्स, फ्राइड फूड जो भी होते हैं, आइसक्रीम्स, पेस्ट्रीज और रेड मीट, ये जो फूड है इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाए जाते हैं, हाई फैट। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज इन लीवर एंड इट्स फंक्शन। अब कोलेस्ट्रॉल अगर बाहर से मिला है हमें, डाइट से मिला है, तो वो कहलाएगा एक्सोजीनियस फैट, मतलब वो बाहर से मिला है हमें। और अगर वही सिंथेसाइज हुआ है हमारे बॉडी में लीवर के थ्रू, तो वो फैट कहलाएगा इंडोजीनियस फैट। तो देखते हैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में किस तरीके से सिंथेसाइज होता है। पहला, वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट आपको यहाँ पे तीन स्टेप ही याद रखना है। HMG coenzyme A convert into mevalonate, mevalonate convert into cholesterol. HMG coenzyme A convert होता है mevalonate में। यहाँ पे कौन से enzyme responsible है HMG coenzyme A को convert करने के लिए? HMG coenzyme A reductase. HMG coenzyme A reductase. ये इंजाइम क्या करता है, HMG को इंजाइम ए को कन्वर्ट कर देता है मेवोलोनेट में। फिर क्या होता है, मेवोलोनेट कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में, और यहाँ पे इसके कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेवोलोनेट काइनेज। मेवोलोनेट काइनेज इंजाइम रिस्पॉन्सिबल है मेवोलोनेट के कन्वर्जन के लिए, किस फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल में। अब ये कोलेस्ट्रॉल बन तो गया लीवर में, अब इसके फंक्शन को समझते हैं पहले। तो ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करता है विटामिन डी को, सिंथेसिस बाइलेसिड बनाने में भी ये काम आता है, और सिंथेसाइज स्टेरॉइड हॉर्मोन्स और मेनी अदर हॉर्मोन्स के भी सिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल। एक और यहाँ पे आपको नोट करना है, जो सेल्स है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल के मेम्ब्रेन को बनने के लिए भी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हो, सिंथेसिस सेल मेम्ब्रेन। तो ये कुछ कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज तो हो गया लीवर में, अब इसके अलग अलग बॉडी के सेल्स तक पहुँचना है और अपना काम करना है वहाँ जाकर।
बट ये क्या इसी फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है? नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये लिपिड नेचर का है, हाइड्रोफोबिक है, और हाइड्रोफोबिक हमारे ब्लड के प्लाज्मा के साथ मिक्स होकर ट्रैवल नहीं हो सकते, क्योंकि जो ब्लड प्लाज्मा है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, मतलब वाटर लविंग नेचर है. और ये फैट है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट है, तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर है, मतलब वाटर हीटिंग है. तो ये हमारे ब्लड प्लाज्मा के साथ मिक्स होकर ट्रैवल नहीं हो सकते पूरे बॉडी तक. तो यहाँ पे इसके ट्रैवल के लिए क्या जरूरी है, एक व्हीकल जरूरी है, मतलब जो ऐसा कोई प्रोटीन जो इसे ट्रैवल करके ब्लड के सर्कुलेशन, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रैवल करके पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जहाँ भी जरूरी है वहाँ तक पहुँचा पाए. तो यहाँ पे क्या आता है, एक लिपोप्रोटीन क्या करता है, इस कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के साथ, पूरे ब्लड के साथ सॉल्यूबल होकर फिर जहाँ भी उसे ट्रैवल होना है वहाँ तक उसे पहुँचाने में हेल्प करता है. ये लिपो प्रोटीन क्या है, हम आगे के स्लाइड में समझते हैं. लिपो प्रोटीन मिक्स दो वर्ड से बना है, लिपो मीन्स लिपिड और प्रोटीन मीन्स प्रोटीन. तो लिपिड प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बना है, लिपो प्रोटीन. जो लिपिड क्या है, अब कोलेस्ट्रॉल है वो लिपिड हो गया. हमारा लीवर क्या करता है, उस कोलेस्ट्रॉल को रैप कर देता है एक प्रोटीन से. वो ऐसा प्रोटीन है जो हाइड्रोफिलिक नेचर का है. तो अब वो लिपिड और प्रोटीन मिक्स होने के बाद अब वो कैसा बन गया, वाटर लविंग नेचर का हो गया. तो अब वो हमारे जो ब्लड है, प्लाज्मा है, उसके साथ मिक्स होकर पूरे बॉडी तक ट्रेवल हो पाते हैं ईजली. तो इस वजह से उस कोलेस्ट्रॉल को प्रोटीन में रैप किया जाता है. वो रैपिंग कहाँ पे होती है, हमारे लीवर में होती है. ओके, तो रोल ऑफ लिपोप्रोटीन पार्टिकल इज टू ट्रांसपोर्ट फैट मॉलिक्यूल्स. फैट मॉलिक्यूल्स जो भी, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर ऑफ द बॉडी टू द ऑल सेल्स, मतलब सारे सेल्स तक, एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी, और जो भी टिश्यूज, सेल्स टिश्यू सभी तक पहुँचाने में ये रिस्पॉन्सिबल है. द प्रोटीन इंक्लूड इन द एक्सटर्नल सेल ऑफ दीज पार्टिकल्स कॉल्ड एपोलाइपोप्रोटीन. अब यहाँ पे जो प्रोटीन रैप की गई है वो प्रोटीन क्या, प्रोटीन का नाम क्या है, एपोलाइपोप्रोटीन. आर सिंथेसाइज एंड सिक्रेट इन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर बाई बोथ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर. ये एपोलाइपोप्रोटीन इंटेस्टाइन में भी बनता है और लीवर में भी बनता है. द एक्सटर्नल सेल ऑल्सो कंटेन फॉस्फोलिपिड्स. एक्सटर्नल सेल में और क्या कंटेन है, फॉस्फोलिपिड. एक तो एपोलाइपोप्रोटीन है और दूसरा क्या है, फॉस्फोलिपिड. ये फॉस्फोलिपिड जो है वो भी वाटर लविंग नेचर का है, मतलब हाइड्रोफिलिक है. और अंदर प्रेजेंट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स. क्योंकि ये वाटर लविंग नहीं है, वाटर हीटिंग है, तो इस वजह से इन पार्टिकल्स को पहले रैप किया जाता है प्रोटीन, एपोलाइपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के थ्रू, ताकि वो अब क्या बन जाए, वाटर लविंग, और हमारे प्लाज्मा के साथ फिर ट्रैवल कर पाए. इस स्लाइड में हम समझते हैं जो प्रोटीन है उसके अलग अलग कंपोजिशन है, मतलब ये प्रोटीन भी अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है. तो कौन कौन से हैं, ये बेसिकली पांच में डिवाइड किए गए हैं, HDL, LDL, IDL, VLDL और काइलोमाइक्रॉन्स. तो इसे डेंसिटी के अकॉर्डिंग रखा गया है, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी. तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये है, देन फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, देन वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और लास्ट है काइलोमाइक्रॉन्स. तो इसे डेंसिटी के अकॉर्डिंग रखा गया है. और अगर वहीं हम पार्टिकल्स के डायमीटर के बेस पे देखें तो सबसे स्मॉल डायमीटर एंड काइलोमाइक्रॉन्स लार्ज पार्टिकल्स है, इसके डायमीटर ज़्यादा है. तो डायमीटर के अकॉर्डिंग इसे इस तरीके से अरेंज किया गया है. नाउ इन दिस स्लाइड कंपोजिशन ऑफ लिपोप्रोटीन अगर हम समझे तो काइलोमाइक्रॉन्स में पहले हम यहाँ पे समझ देते हैं, पहले पिंक कलर शो किया गया है ट्राइग्लिसराइड्स को, ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है कोलेस्ट्रॉल को, और फॉस्फोलिपिड को इंडिकेट किया गया है ऑरेंज कलर से, देन प्रोटीन येलो. काइलोमाइक्रॉन्स में 90% ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट है, 5% क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, 4% फॉस्फोलिपिड है, और 1% प्रोटीन प्रेजेंट है. ठीक है, देन अगर VLDL में हम देखें, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो यहाँ पे 65% ट्राइग्लिसराइड्स है, 20% कोलेस्ट्रॉल है, 10%
फॉस्फोलिपिड है और 5% प्रोटीन प्रेजेंट है, समझ गए। आइडियल में अगर देखें हम इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन में, तो यहाँ पे 35% कोलेस्ट्रॉल है, 30% ट्राइग्लिसराइड्स है और 20% फॉस्फोलिपिड है, 15% प्रोटीन प्रेजेंट है। एलडीएल में अगर आप देखो तो यहाँ पे 50% कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, 10% ट्राइग्लिसराइड है, 20% क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है और 20% फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। वहीं अगर हम एचडीएल में देखें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में, तो यहाँ पे 50-50 आपको याद रखना है। वैसे अलग अलग बुक में अलग अलग रेंज दिए गए, प्लस माइनस है 5, मतलब डिफरेंस है अलग अलग। तो यहाँ पे एचडीएल में लिखा गया है 55% प्रोटीन, 5% ट्राइग्लिसराइड्स और 25% फॉस्फोलिपिड, 15% क्या है, कोलेस्ट्रॉल है 55%। आपको यहाँ पे बेसिकली याद रखना है 50-50%, मतलब प्रोटीन अगर आपसे कोई पूछे एचडीएल में है तो 50% प्रोटीन प्रेजेंट है और 50% क्या है, अदर जो भी फैट्स है, लिपिड अगर कोई पूछे तो वो कितना है, 50% है, 50-50% प्रोटीन, 50% लिपिड। ये एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये जितने भी कोलेस्ट्रॉल है ये सारे क्या है, बैड है, जितने भी लिपोप्रोटीन से ये सारे बैड है और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है। ऐसा क्यों, आगे हम समझते हैं। तो पहला हम समझते हैं इसके काम को। अगर हम प्रोटीन वहीं पे बात करें एपोलाइपोप्रोटीन्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट है एपोलाइपोप्रोटीन सी, B48EA, यहाँ पे B100CE, B100E, एपोलाइपोप्रोटीन B100 और एपोलाइपोप्रोटीन ई, यहाँ पे B100 और यहाँ पे ACE, एपोलाइपोप्रोटीन ACE। काइलोमाइक्रोन्स क्या करता है, ट्रांसफर एक्सोजेनियस लिपिड जो डाइट से हमें मिला है उसको ट्रांसफर करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू पेरिफेरल टिश्यू। इंटेस्टाइन से उस फैट को लेता है और फिर पूरे टिश्यू तक जहाँ भी उसे जरूरत है वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है, कौन, काइलोमाइक्रोन्स। VLDL और LDL क्या करता है, ट्रांसफर इंडोजीनियस लिपिड फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू। लीवर में क्या इंडोजीनियस फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में बन रहा है वो इंडोजीनियस है, तो वहाँ से वो लीवर से लेकर पूरे अदर पेरिफेरल टिश्यू तक पहुँचाने में कौन हेल्प करता है, VLDL और LDL। और HDL का काम क्या है, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लीवर, मतलब ये रिवर्स टिश्यूज सेल्स से जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको फिर वापस से लीवर में भेजने का काम करता है, रिवर्स ट्रांसपोर्ट करता है ये HDL। और ये जितने भी कोलेस्ट्रॉल है ये सारे बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता है हमारे ब्लड में, और HDL गुड इसलिए है क्योंकि इसका रिवर्स ट्रांसपोर्ट, ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म शो कर रहा है, अगर बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है तो उसको वापस से टिश्यू और सेल से लेकर लीवर में भेजने में हेल्प कर रहा है ये HDL। दैट्स वाई यहाँ पे HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल माना गया है और जो अदर लिपोप्रोटीन्स है वो बैड है। इस स्लाइड में देखिए, हम जो भी खाए, फूड लिए, फूड में जो भी फैट प्रेजेंट है वो स्टोमक के थ्रू कहाँ पे गया, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, ये जो फैट है इसे कैरी करके ब्लड वेसल्स तक कौन लेकर आता है, काइलोमाइक्रोन्स। ये क्या है, लिपोप्रोटीन है, काइलोमाइक्रोन्स लिपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये। ये क्या, इसमें क्या प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स एज कम्पेयर टू कोलेस्ट्रॉल एस्टर, क्या ज़्यादा प्रेजेंट है, ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट है। इसके पिछले साइड में हमने देखा था कॉम्पोजिशन में, तो काइलोमाइक्रोन्स में 99% ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स है। तो ये जब ब्लड वेसल्स में मूव होते हैं हमारे ब्लड के, ब्लड प्लाज्मा के साथ, तो क्या होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्री फैटी एसिड में, और इसे के कन्वर्जन के लिए लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। ये लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के कैपिलरी के वॉल में प्रेजेंट है, जो भी कैपिलरीज है ब्लड वेसल्स है उसके जो इनर वॉल है उसमें प्रेजेंट होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। ये ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देता है फ्री फैटी एसिड में, और फिर फ्री फैटी एसिड को एडिपोज टिश्यू और हमारे जो मसल्स वगैरह है वो इस फ्री फैटी एसिड को यूटिलाइज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बचे हुए जो काइलोमाइक्रोन्स है, रिमिनेंट काइलोमाइक्रोन्स, जिसे क्या कहते हैं हम, काइलोमाइक्रोन्स रिमिनेंट, मतलब बचे हुए काइलोमाइक्रोन्स जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं फ्री फैटी एसिड में और फिर यूटिलाइज कर लिया गया है हमारे सेल्स और एडिपोज टिश्यू के द्वारा।
तो रिमेनेंट जो है काइलोमाइक्रॉन्स, इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल, एस्टर और कुछ अमाउंट में ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये वापस से चले जाते हैं हमारे लीवर में एक रिसेप्टर के थ्रू, LDL आर रिसेप्टर, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू। ये जो रिमेनेंट है काइलोमाइक्रॉन्स रिमेनेंट, जिसमें क्या प्रेजेंट है ज्यादा? कोलेस्ट्रॉल, एस्टर, ये कहाँ चला गया? फिर से लीवर में चला गया। अब लीवर में एक प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। कैसे? HMG कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया मेवोलोनेट में, रिस्पॉन्सिबल है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, और फिर मेवोलोनेट कन्वर्ट हुआ है कोलेस्ट्रॉल में, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है मेवोलोनेट काइनेज एंजाइम। यहाँ पे कन्वर्जन होकर जब कोलेस्ट्रॉल एस्टर सिंथेसाइज हुआ है, इंडोजेनियस फैट है ये, क्योंकि ये लीवर में सिंथेसाइज हुआ है, और जो डाइट के थ्रू गया है लीवर में, वो भी मिक्स होकर यहाँ पे पैकेजिंग होती है कोलेस्ट्रॉल एस्टर, मतलब जो डाइट से मिला है हमें कोलेस्ट्रॉल वो भी, और जो सिंथेसाइज हुआ है हमारे लीवर में वो भी, वो यहाँ पे पैकेजिंग हुई कोलेस्ट्रॉल एस्टर और ट्राइग्लिसराइड्स की पैकेजिंग हुई, और ये कन्वर्ट होता है VLDL के फॉर्म में, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इस कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करके लाने के लिए ब्लड वेसल्स में, सर्कुलेटरी सिस्टम में। कौन रिस्पॉन्सिबल है? VLDL। जो डाइट के थ्रू हम कोलेस्ट्रॉल ब्लड में गया था, वो किसके लिए, वो उसको ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स लिपोप्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ट्राइग्लिसराइड्स। अब जब लीवर में सिंथेसाइज हो चुका है, पैकेजिंग वगैरह हो गई है, तो फिर यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स में जाने ले जाने तक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन। इसमें भी क्या प्रेजेंट है? ट्राइग्लिसराइड ज्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ऑलरेडी हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एज सेम प्रोसेस, जो ट्राइग्लिसराइड है वो कन्वर्ट हो चुका है फ्री फैटी एसिड में, और कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये ब्लड वेसल्स के इनर वॉल में, ठीक है। ये कन्वर्ट होने के बाद टिश्यू के द्वारा यूटिलाइज कर लिए गए हैं, और बचे हुए जो है रिमिनेंट है VLDL, ये किस में कन्वर्ट हो गया? IDL के फॉर्म में, IDL इंटरमीडिएट लिपो, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, IDL। IDL कन्वर्ट होता है LDL में, और यहाँ पे कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हेपेटिक लाइपेज एंजाइम। ये LDL फिर से चला जाता है लीवर में, कौन से रिसेप्टर के थ्रू? LDLR रिसेप्टर, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर। और कुछ LDL जो मतलब लीवर के थ्रू, ये तो लीवर में चला जाता है, बट कभी कभी क्या क्या होता है कि ये LDL, अब LDL में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड कम है, तो यहाँ पे फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड में ये कन्वर्ट ही नहीं होता, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड कम है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल एस्टर, और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे टिश्यू तक, ऑर्गन तक पहुँच जाते हैं, कभी कभी हार्ट में, हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है कोरोनरी आर्टरीज, वहाँ पे जमने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, और जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या करता है? प्लैक फॉर्मेशन होने से क्या होता है? अर्थरोस्क्लेरोसिस, मतलब ब्लड मूवमेंट नहीं हो पाता है हमारे हार्ट के टिश्यू तक, तो फिर हार्ट अटैक, चांस ऑफ रिस्क इंक्रीज हो जाता है हार्ट अटैक। और अगर ये LDL चला गया हमारे ब्लड किसी ऐसे वेसल्स में जो हमारे ब्रेन तक ब्लड को सप्लाई कर रहा है, अगर वहाँ पर जाकर ये प्लैक फॉर्मेशन करता है, डिपोजिशन होती है कोलेस्ट्रॉल की, तो वहाँ पे वो जो ब्लड है वो ब्रेन तक नहीं प्रॉपर पहुँच पाता है, तो क्या हो सकता है? ब्रेन अटैक, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रोक। तो ये LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हार्ट अटैक के लिए और स्ट्रोक जैसे सीरियस कंडीशन के लिए। ओके, इसे ठीक करने के लिए एक हमारे बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज होता है लिपोप्रोटीन, उसका नाम है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बट ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि ये जो टिश्यूज वगैरह में डिपोजिशन हो रहे हैं, फैट डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, ये उसको क्या करता है? रिमूव करने में हेल्प करता है, और अपने साथ कैरी करके वापस से लीवर में लाने का काम करता है। एलिवेट लेवल ऑफ LDL, LDL लेवल अगर इंक्रीज है, इंक्रीज पर्सन रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्थरोस्क्लेरोटिक। अगर ब्लड में LDL लेवल इंक्रीज है, तो वैसे पर्सन में आर्थरोस्क्लेरोटिक होने के ज़्यादा चांसेस है, और उसके ब्लड वेसल्स में प्लैक फॉर्मेशन हो सकता है, डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस, और क्या हो सकता है? डिजीज, वस्कुलर डिजीज। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है अगर प्रेजेंट, HDL लेवल इंक्रीज है, तो ये क्या करता है? रेगुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल टू प्रिवेंट इम्बैलेंस दैट वुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ आर्थरोस्क्लेरोटिक डिजीज।
HDL का काम क्या है, जो इम्बैलेंस है, बैड कोलेस्ट्रॉल, जो भी कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस है मतलब हाई लेवल है, तो उसको वो वापस से रेगुलेट करता है, मतलब वापस से लीवर में भेजने में काम करता है, रिवर्स ट्रांसपोर्ट, जिससे क्या होता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारे सेल्स में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, वो वहाँ से हटकर कहाँ चला जाए, लीवर में, और लीवर उस कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड बनाने के लिए यूज़ कर ले, या फिर विटामिन डी, या फिर हॉर्मोन्स बनाने के लिए यूज़ कर ले। तो बेसिकली हमारा HDL का काम क्या है, जो सेल्स वगैरह टिश्यू वगैरह में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज है वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाए वापस से लीवर में। मैनेजिंग रिस्क फैक्टर सच एज हाइपरलिपिडीमिया टू डिमिनाइज द रिस्क ऑफ आर्थरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है ब्लड में तो उस इंसान को हाइपरलिपिडीमिया है और उसे मैनेज करना ज़रूरी है। उसे मैनेज इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हम फिर कार्डियोवास्कुलर जैसे डिजीज़ को मिनिमाइज कर पाएंगे। इज़ रेफर्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन, हमारा सबसे पहला प्रिवेंशन होना चाहिए। जो भी पेशेंट को कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ है या फिर हो सकता है, तो हमारा पहला प्रिवेंशन ये है कि हाइपरलिपिडीमिया को मैनेज करें, ट्रीट करें। हाइपरलिपिडीमिया कैन रन इन फैमिली, ये फैमिली में रन हो सकता है। पीपल हु इनहेरिट दी कंडीशन कैन गेट वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये जेनेटिक भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, आगे हम समझेंगे। अगर ये जेनेटिक है तो ऑलरेडी उस बच्चे में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा बचपन से ही, और ऐसे इंसान में दैट मीन्स दे हैव अ मच ग्रेटर चांस ऑफ हैविंग हार्ट अटैक इन एडल्ट एज। कॉज एंड रिस्क फैक्टर, तो यहाँ पे समझते हैं, हाइपरलिपिडीमिया इज एन इम्बैलेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल इम्बैलेंस हो जाना, हाई हो जाना, कॉज्ड बाई दी कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग टू मच LDL कोलेस्ट्रॉल, या LDL कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है और HDL कोलेस्ट्रॉल कम है। LDL और HDL बैलेंस नहीं है, LDL ज़्यादा है, HDL कम है। देयर आर टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, दो मेन क्लासिफिकेशन है। पहला तो जेनेटिक हो सकता है या फिर एक्वायर्ड हो सकता है। जेनेटिक इनहेरिट है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आया है, या फिर एक्वायर्ड है, तो उस इन मतलब आपके किसी भी लाइफ के पॉइंट में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ कारण है, जैसे कोई अंडरलाइनिंग कंडीशन, हेल्थ कंडीशन हो, या फिर कोई मेडिकेशन के कारण भी हो सकता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गया हो, तो ये भी एक्वायर्ड की कंडीशन में आता है। और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, अगर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जैसे क्या क्या हो सकता है, अनबैलेंस डाइट, डाइट प्रॉपर नहीं है, इनसफिशियंट एक्सरसाइज, स्मोकिंग और एक्सपोजर टू सेकेंडरी स्मोक, ओवरवेट, ओबिसिटी कारण है कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होने का, और अल्कोहल यूज़ अगर ज़्यादा है तो। हेल्थ कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू हाइपरलिपिडीमिया, अब हम वो समझ गए हैं कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल क्या क्या है। अब अगर हेल्थ कंडीशन की हम बात करें तो हेल्थ कंडीशन ख़राब होने से भी हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, ये भी एक्वायर्ड है। तो क्या क्या डिजीज़ होने से हो सकता है हाइपरलिपिडीमिया, अगर किडनी डिजीज़ है तो उस पेशेंट को हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकता है। डायबिटीज़ है तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि उस पेशेंट को हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS है, देन अंडर एक्टिव थायराइड, अगर थायराइड अंडर एक्टिव है तो भी हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। लीवर डिजीज है या फिर प्रेगनेंसी के केस में तो होता ही है हाइपरलिपिडीमिया। मेडिकेशंस दैट कंट्रीब्यूट टू हाइपरलिपिडीमिया, कौन कौन से ऐसे मेडिकेशंस है जिसके कारण से हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उससे हो सकता है, डायोरेटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इससे भी हो सकता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो भी हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ HIV, बीटा ब्लॉकर से भी हो सकता है, बट ये रेयर है। अगर जेनेटिक है तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप ऑफ डिसऑर्डर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2 ए, टाइप 2 बी, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, यहाँ पे 5 टाइप के डिसऑर्डर है जो क्या है, जेनेटिक है। तो इसमें क्या होता है, एक जेनेटिक टाइप 1 में क्या होता है, काइलोमाइक्रॉन्स ज़्यादा, लिपोप्रोटीन सबसे ज़्यादा टाइप 1 में कौन सा पाया जाता है, काइलोमाइक्रॉन्स। अगर टाइप 2 ए है, टाइप 2 ए डिसऑर्डर है, तो उसमें कौन सा लिपोप्रोटीन ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है, LDL लिपोप्रोटीन। अगर टाइप 2 बी है तो उसमें कौन सा लिपोप्रोटीन ब्लड में सबसे सबसे ज़्यादा होता है, VLDL एंड LDL। अगर टाइप 3 है तो LDL और काइलोमाइक्रॉन्स रिमेनेंट पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा ब्लड में। अगर टाइप 4 है तो VLDL सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और अगर टाइप 5 है तो VLDL एंड काइलोमाइक्रॉन्स।
ब्लड में ज़्यादा पाए जाते हैं। लिपिड एलिवेटेड अगर टाइप वन है तो ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एज वी ऑल नो काइलोमाइक्रॉन्स में ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉलिस्टर नो, तो इस वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस कम है यहाँ पे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉलिस्टर कम है और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। और हम जानते हैं ट्राइग्लिसराइड तो कन्वर्ट हो ही जाता है फ्री फैटी एसिड में और वो फिर यूटिलाइज कर लिया जाता है ब्लड वेस हमारे टिश्यूज़ के द्वारा, तो यहाँ पे चांस कम है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इफ़ टाइप टू ए और उस पेशेंट में लिपिड लेवल लिपोप्रोटीन क्या है, एलडीएल प्रेजेंट है, मतलब एलडीएल में हमने देखा था अगर एलडीएल लिपोप्रोटीन है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉलिस्टर नो ट्राइग्लिसराइड्स, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोलेस्ट्रॉलिस्टर प्रेजेंट है और ये फिर हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता है जाकर और फिर प्लैक फॉर्मेशन करता है, ब्लड के सप्लाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के लिए स्टेटिन्स देते हैं। टाइप टू बी है अगर और लिपोप्रोटीन VLDL और LDL ज़्यादा है, एज यू ऑल नो VLDL है मतलब ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है और LDL है मतलब उसमें कोलेस्ट्रॉलिस्टर भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे दोनों ही एलिवेटेड है ब्लड में, रिस्क ज़्यादा। यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टैटिन, फाइब्रेट्स और निकोटिनिक एसिड, ये ड्रग्स को हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं टाइप टू बी में। ओके, टाइप थ्री में आइडियल लेवल है और काइलोमाइक्रॉन्स रिमिनेंट, काइल हमने अभी देखा था डायग्राम में, काइलोमाइक्रॉन्स रिमिनेंट में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही कन्वर्ट हो चुका है ट्राइग्लिसराइड फ्री फैटी एसिड में, बचे हुए क्या है कोलेस्ट्रॉल एस्टर, तो काइलोमाइक्रॉन रिमिनेंट में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्टर भी ज़्यादा ब्लड में देखने को मिलता है और आइडियल है तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड भी इंक्रीज है, इस रिस्क हाई, फाइब्रेट्स देने से काम चले जाता है। टाइप फाइव में VLDL लेवल है इंक्रीज, तो VLDL में हमने देखा था ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल स्टर नहीं पाए जाते, नो रिस्क है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फाइब्रेट्स निकोटेनिक एसिड। टाइप फाइव में VLDL और काइलोमाइक्रॉन्स दोनों ही हैं, काइलोमाइक्रॉन्स है मतलब ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होना ही है और VLDL है तो यहाँ पे कोई कोलेस्ट्रॉल एस्टर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि VLDL में भी ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्री फैटी एसिड में, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक के चांसेस नहीं है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना होगा, बिल्कुल मतलब याद रखना ही है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर ट्रीटमेंट डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसमें क्या क्या चेक होता है वो भी हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड टेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ओके, कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करने के लिए जो भी ब्लड टेस्ट करते हैं उसे कहा जाता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। योर डॉक्टर शुड चेक योर लिपिड लेवल रेगुलरली, लिपिड लेवल को चेक करवाना होता है। इट इज़ अ ब्लड टेस्ट कॉल्ड लिपो प्रोटीन पैनल, या फिर लिपो प्रोटीन पैनल कहते हैं या फिर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कहते हैं। द रिजल्ट शोज द लेवल ऑफ, रिजल्ट में क्या क्या लेवल हमें पता चलता है, LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल पता चलता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे आर्टरीज में बिल्डअप होते हैं और हार्ट अटैक स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में HDL लेवल कितना है, प्रेजेंट है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक करते हैं, अनदर टाइप ऑफ फैट इन योर ब्लड, कोलेस्ट्रॉल स्टर भी फैट है और ट्राइग्लिसराइड भी एक टाइप का फैट है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर थ्री नंबर, मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करते इन सभी को प्लस करके वो टोटल कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। लिपिड प्रोफाइल में देखते हैं हम, तो HDL कोलेस्ट्रॉल डिजायरेबल रेंज है 60 mg/dL, बॉर्डर लाइन 35 to 45 mg/dL और हाई रिस्क अगर 35 से कम है HDL, तो आपको ये दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिजायरेबल रेंज याद रखिए। कोलेस्ट्रॉल HDL लेवल बिल्कुल ब्लड में होना ही चाहिए 60 mg/dL, 35 से कम नहीं होना चाहिए। LDL कोलेस्ट्रॉल डिजायरेबल रेंज है 60 से 130 mg/dL के बीच हो, इससे ज़्यादा कम ना हो। ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो 150 mg/dL से कम हो, ज़्यादा ना हो। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल लेस देन 200 mg/dL हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं और इससे पता लगाते हैं कि आपके ब्लड में कितने अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, एलडीएल, एचडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये सभी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा। ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर में हमने देखा हाइपरलिपिडीमिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन यूज करेंगे वो समझेंगे, मतलब एंटी हाइपरलिपिडीमिक ड्रग्स।